किया आपने अकेले नहीं किया कि सबने किया सर सभी स्टूडेंट ने किया ये बात हमने आपको शुरू से ही बताई थी कि आप डुअल डेकर सीपीयू करेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में रहती है कि ये लोग बोलते हैं करवाते नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, जब किया तो पता चला कि मैं ये कर पाऊंगा। चलिए ठीक है। मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल है, मैं इसे टेलीकॉम से। आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन हमारे 28 अगस्त बैच के स्टूडेंट हैं। मोहन आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र नासिक से। तो महाराष्ट्र नासिक से सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपने इसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया? सर मैं एक तो पहली बात बताऊंगा, मैं 4 या 5 साल से आपका फॉलोअर हूँ जी, मतलब वीडियो के थ्रू आपको फॉलो कर रहा था। तो वो वीडियो अगर एक कोई दे कोई भी बंदा, मैं ये नहीं बोलूँगा बड़ा चढ़ा के भी नहीं बोलूँगा, तो कोई भी एक बंदा अगर वो वीडियो देखता है उसके एंड तक जाता है और वो प्रोसेस अगर करता है तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाता जी। है। तो अगर उसके बारे में अगर ये मैं बोलूँ कि अगर वो वीडियो देख के आदमी, मतलब जो अपना सिलेबस है आप वो वीडियो के थ्रू आउटपुट दे रहे हो, तो ये समुंदर की लहर है, ये यहाँ तक है, तो अगर वो समुंदर तक जाए तो वो कितना गहरा होगा ये मैं पता चल गया सर। और दूसरी बात बोलूँ तो 2-3 बंदे हैं जो अपने इंडिया के 2-3 कोनों से सीखे आए, उनका मैं रिव्यू लिया तो उसके जरिए मेरे को यह पता चला कि वहाँ जाना गलत बात है, इसलिए मैं आईसीआई टेलीकॉम ज्वाइन किया। तो मतलब इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रिसर्च की हैं और रिसर्च करने के बाद में आईसीआई टेलीकॉम आए और काफ़ी टाइम से फॉलोअर है हमारे। मैं ये जानना चाहता हूँ आप कौन सी डेट को आए थे? 25 तारीख को आप जबलपुर आए थे और आज 24 तारीख के लगभग एक मंथ है। एक मंथ में आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MMC तीनों अटेंड किए, तीनों का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका पहले दिन से लेके अब तक का बताइए? सर पहले तो मैं, मतलब आने से पहले तो मैं अपने मार्केट में मैं खुद को बहुत बड़ा समझता था। अच्छा, आप कितने साल से काम कर रहे थे? 8 साल से कर रहा हूं। 8 साल से काम कर रहे थे, क्या काम कर पाते थे आप? कुछ नहीं सर, मतलब पहले मैं खुद को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरा जो अहंकार था वो मेरे से खुद से ही निकल गया कि मैं यहाँ पर आने के बाद कुछ नहीं हूँ। जो यहाँ का नॉलेज दिया गया है वो समझने के बाद मैं पहले तो कुछ नहीं था, ये मैं खुद से बोलूँगा। जी जी, तो मतलब आपको वाकई में यहाँ का एक्सपीरियंस, पढ़ाने का तरीका, डिसिप्लिन और सारे जो हमारे सिस्टमेटिक तरीके हैं वो आपको पसंद आए यहाँ पर? यस सर, डिसिप्लिन के बारे में अगर मैं बोलूँ जी, तो अगर कोई स्टूडेंट आता है, हाँ, आज का बंदा कोई प्रेशर हो या ना हो, हाँ जी, उसके लिए बात नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप कोई दुकानदार हो जी, तो पहले से आप पैसे वाले हो, हाँ, तो यहाँ पे अगर आएगा कोई सीखने को, यहाँ अगर कोई करोड़पति भी आए तो उसको स्टूडेंट बन के ही रहना है और जो ज्ञान लेना है वो स्टूडेंट बनकर ही लेना है। बहुत बढ़िया, आपको वो बड़ा पैसा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैं बताऊंगा। मतलब यहाँ पर किसी को भी ना जाति से, ना उसके एक्सपीरियंस से, ना किसी से भी ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ खास ट्रीटमेंट देते हैं, सबको एक जैसा ही है, सबके लिए एक ही जैसा। किसी एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो पूरी क्लास रोकी है कि नहीं? स्टॉप हो गई सर मेरे लिए। जब मैं 4G CPU लाइव बना रहा था जी, जी, तो मेरे वास्ते 1 घंटा क्लास लेट हो गई, मतलब 8 बजे हम छुट्टी लेते थे, हाँ, तो 9 बजे तक मिलन सर बोले कि अभी आपके 12 बजे है और आपके पास अभी 8 घंटे हाँ, हैं। तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, हाँ, कि अभी तो 8 बज रहे, सर बोल रहे थे कि अभी 12 बजे आपके पास अभी 8 घंटे हैं, मतलब आप जल्दबाजी कुछ ना करो, जब तक ये तुम्हारे से CPU रिबॉल या वो फ़ोन चालू नहीं होगा तब तक किसी को छुट्टी नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, तो देखा जैसे कि इन्होंने कहा कि किस तरह से हम सपोर्ट करते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट जैसे ये नहीं है कि हमारा टाइमिंग पूरा होने के बाद मैं भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत दूर से आए हैं और अपना समय और अपना पैसा लगा के और एक उम्मीद के साथ आए हैं कि यहाँ आके कुछ एक बेहतर सीखेंगे। तो आपने आखिरी दिन क्या किया? आखिरी दिन सर सुपर AMOLED LED सेक्शन किया। एक लाइव प्रैक्टिकल में क्या किया? उसके बाद डुअल डेकर सीपीयू किया। आपने अकेले नहीं किया कि सबने किया है? सर सभी स्टूडेंट ने किया सर। ये बात हमने आपको शुरू से ही बताई थी कि आप डुअल डेकर सीपीयू करेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में रहती है कि ये लोग बोलते हैं करवाते नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, जब किया तो पता चला कि मैं ये कर पाऊंगा। कर पाएंगे हुआ, एक निकल गया दिमाग से डुअल डेकर का? यस सर। नैंड प्रोग्रामिंग समझ में आई आपको? यस सर। ये हमने इस कोर्स में फ्री कंटेंट डाला था और ऑलवेज की तरह ये हमेशा की तरह फ्री ही रहेगा, जिसमें हमने नैंड को प्रोग्राम करना सिखाया। जी सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई नया स्टूडेंट यहाँ पे क्यों ज्वाइन करे, एक दो शब्दों में बताइए। सर अगर उसको कुछ बड़ा बनना है जी,
इनलेस अगर जो समीम ने बताया जी कि अगर उसको इनलेस लेवल के लेवल पे जो काम सीखना है हाँ, काम करना है हाँ, तो उसने टेलीकॉम ज्वाइन करने के लिए कोई उसको कोई रोक नहीं सकता और कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा मेरी टीम के साथ में कि आप बहुत अच्छा काम करें और हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। आईसी से लेके 4G सीपीयू से लेके आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?